नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुर्वेदिक डॉक्टर मुकुल शर्मा। बहुत सारे एसएमएस आ रहे थे मेरे पास कि सर हमें पिंपल्स से छुटकारा पाने का इलाज बताइए। पिंपल्स से छुटकारा पाना बहुत इजी है अगर आप बहुत सारे फालतू चीजों पर गौर ना करें। बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं कि ऐसी चीजें लगाइए, वो लगाइए। मैं कहता हूं आप सब कुछ छोड़ दीजिए, मैं आपको कुछ डाइट प्लान बताऊंगा और कुछ लगाने की चीजें और कुछ एक पीने की चीज बताऊंगा, उसमें आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। जितने भी प्रकार के पिंपल्स हैं, कील, मुहासे, फोड़े, फुंसी, जितना भी आपके स्किन डिजीज है, मुझे लगता है इसी में ही समेट जाएंगी। तो आप कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके अपने सुझाव दीजिएगा मुझे, और इस उपयोग को अपनाकर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अंत तक वीडियो जरूर देखिए। बात करते हैं अपन सबसे पहले आपको क्या नहीं खाना है, क्योंकि हार्मोन चेंज पे भी हमारे पिंपल्स उगते हैं। लड़कियों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लड़कों को भी होती है। हार्मोन्स जब आए, अपने बदलाव होते हैं, तब ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है। लेकिन आज के टाइम प्रॉब्लम ये भी तो है कि लोग फास्ट फूड पे ज्यादा भरोसा करते हैं। मन करता है तब चलो पिज्जा खाते हैं, मन करता है तब चलो बर्गर, चाउमीन, ये चीजें खाते हैं, पुचका खाते हैं, खट्टी चीजें खाते हैं। उनकी वजह से लड़कों को ज्यादातर तो हो रही है ये प्रॉब्लम, लड़कियों को भी इसी वजह से आती है, ठीक है। अब इन चीजों को तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप एक स्वस्थ जीवन बिना पिंपल्स के जीना चाहते हो तो फ्रूट्स खाना स्टार्ट कर दो, फास्ट फूड से अच्छा, ठीक है। ये तो आपको सबसे पहले काम करना है। शरीर में अगर आपकी गर्मी रहती है, अगर कोई नशा करते हो तो उसको छोड़ना पड़ेगा। और लगाने वाली चीज और पीने वाली चीज में सबसे बढ़िया बताऊंगा, प्राकृतिक रूप की चीज है तो उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं पीने की चीज क्या आपको यूज करनी है, ठीक है, और कितनी मात्रा में लेनी है, कैसे लेनी है, ये सब बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को देखते रहिए अंत तक। पहली चीज है महामंजिष्टादि क्वाथ, ठीक है। महामंजिष्टादि क्वाथ की अगर आप जड़े ले आते हैं मार्केट से, वो ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप लिक्विड रूप में खरीदेंगे तो। उसको आपको क्या करना है, उसको 50 ग्राम लेना है, या आप कम मात्रा में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है 30-40 ग्राम तक। लेकिन 50 ग्राम लेकर आप कम से कम उसको 1 लीटर पानी में उबालना है। जब वो 500 ml रह जाए तब आपको उसमें दो दो ढक्कन, तीन तीन ढक्कन सुबह शाम लेने हैं। ऐसे करके आप रोजाना ले सकते रहें। ये बहुत अच्छा काम करेगा, आपको पूरी शुद्धिकरण करेगा, जितने पिंपल्स हैं, जितने भी फोड़े फुंसी हैं सब मिटा देगा। दूसरा फेस के लिए एलोवेरा जेल लोग कहते हैं, लेकिन मैं नहीं कहूंगा, एलोवेरा जेल लीजिए। एलोवेरा का सीधा ही उपयोग कीजिए, मैं तो ये कहूंगा। अगर आप एलोवेरा जेल लेते हैं मार्केट में, क्योंकि उसमें एसेंस वगैरह केमिकल ये चीजें जरूर मिक्स होकर आएंगी, ये तो मेरा वादा है आपसे। तो आप अगर केमिकल वाली चीजें लेंगे तो कोई भी ब्रांड की चीज ले लो, किसी भी कंपनी की चीज ले लो, चाहे हल्दी का नाम से, कोई पतंजलि के नाम से, किसी भी नाम से अगर आप चीज लोगे उसमें केमिकल आएगा आएगा। इससे अच्छा है आप प्राकृतिक रूप से उगाया हुआ एलोवेरा लें और उसको काट कर रोजाना सुबह शाम दो टाइम या एक टाइम कम से कम नहाने से पहले आधे एक घंटे पहले उसको फेस पे लगाएं और कुछ दिनों बाद रिजल्ट देखें। लेकिन मार्केट का एलोवेरा जेल वगैरह ये ना खरीदें, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये दो चीजें ही आपकी लाइफ बदल के रख देंगे, इसलिए प्लीज अपनाइए ये चीजें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी वीडियोस पाने के लिए जुड़े रहिएगा हमसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।